वट्सअप पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं इन योर वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खैरियत से होंगे इंजॉय कर रहे होंगे न्यूज़ तो आपने सुनी होगी जी शांगला में के पी के का एक इलाका है वहाँ पे शाम में बस जब आ रही थी चाइनीज इंजीनियर्स को लेकर तो उस पर एक सुसाइड अटैक हुआ और एज द रिजल्ट पाँच चाइनीज इंजीनियर और एक पाकिस्तानी उनका जो उनको मूव करवा रहा था ड्राइवर कह लो या उनको मैनेज कर रहा था ट्रांसलेटर वर्ड्स ओवर उसकी हो गई डेथ और जब ये न्यूज़ निकली तो उससे बड़ा आपको पता है चाइना का भी बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया और पाकिस्तानी इदारे भी भाग दौड़ शुरू कर दी तो इस अटैक के बाद बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको देख के मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए तो क्या वाकई हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है क्योंकि हम खुद टेर्रज़म का शिकार हैं आए दिन यहाँ पे लोग जो है ना जाते हैं और बम ब्लास्ट वग़ैरह होते हैं तो अब चाइनीज़ के साथ हुआ है तो चाइना ने पाकिस्तान में जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम बंद कर दिए तो अब देखते हैं वीडियो देखते हैं हैं खबर दे रहे हैं इस वक्त आप शांगला से शांगला के शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से बारूद से भरी गाड़ी चीनी की गाड़ी से जा टकराई खुदकुश हमले में छह अफरा जान से गए डी आई जी मालकंड ने वाकई में पांच चीनी बाशंदो की हलाकत की तस्दीक कर दी लेकिन हिलाली साहब जहाँ ये नहीं छुपा रहे की हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को तो मारेंगे इंतहा तशवीश और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरी चार। टारगेट किया गया है कुछ अमलावा गाड़ी में सवार था उसने अपनी गाड़ी टकराई है इस पोस्टर के साथ चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है देखिए क्या हुआ है तो मैं तो समझता हूँ ये एक के किया गया है। और ये है चीनी पहुंच है। वोसे की चीनी सफीर से मुलाकात हुई है चीनी सफीर को की के ये जो आर्म दहशत गर्द है वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलीटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए है पांच चाइनीज जो है इंजीनियर थे और सात या आठ के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के थे। चाहे जो बी एल ए और बी एल एफ तर्ज की जो दहशत गर्द तनजीमें हैं वो ईरान के सूबा से बलोचिस्तान में पनाह लेती हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो टी टी पी है वो अफगान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है नमस्ते दोस्तों हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूखा में एक सुसाइड अटैक में पांच चीनी नागरिक मारे गए हैं बताया जा रहा है कि हमलावर ने उनके काफिले को निशाना बनाया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर के सांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पांच विदेशी इंजीनियरों और उनके ड्राइवर की मौत की जानकारी दी है बताया जा रहा है की हमले में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं इसमें पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए हैं स्थानीय पुलिस ने बताया कि चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाने के दौरान हमला किया गया हमलावर ने कथित रूप से चीनी नागरिकों की कार में टक्कर मारी थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी चीनी इंजीनियर्स धासू में अपने कैंप की ओर जा रहे थे विशेष रूप से धासू पहले भी आतंकियों के निशाने आरोप आये यहाँ पर दो में भी बड़ा हमला हुआ था तब एक बस में हुए अटैक में नौ चीनी नागरिकों समेत तेरह लोग मारे गए थे कि okay, इन्होंने पूरी बात तो नहीं आगे बताई कि उसके बाद क्या क्या हुआ क्योंकि इन्होंने जस्ट वो अटैक की न्यूज़ सुनाई और कि इतने लोग मारे गए और ये हुआ आ, मैं जफर हलाली के असेसमेंट पर हैरान था वो कहते हैं जी जान के किया जाता है ऐसा हमला तो भाई जान के ही किया जाता है रीज़न क्या होता है वो हम सबको पता है जान के करने का रीज़न ये होता है कि रिलेशन ख़राब किए हैं और वो इस चीज़ में कामयाब भी हैं क्योंकि चाइना ने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो ऐसा नहीं था कि वो सिंपथेटिक होता हमसे कि यार आपके साथ आज हुआ है हमारे साथ तो रो दिए हो रहा है ठीक है तो उनके पांच शहरी मरे उनका रिस्पांस चेक करें कि उन्होंने फुल सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बंद कर दिए हैं अपना अमला वापस बुलवा लिए मैं देख रहा था पता नहीं कितने पाँच छः सौ टीचर्स और बारह तेरह सौ इनके इंजीनियर्स काम कर रहे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उन सबको वापस बुला लिया गया इवन के लेबर तक को जो है ना कह दिया गया कि आप अपने उस पर रहें स्टेशन पर और बाहर रहने की लोड नहीं है और या तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा या फिर उन्हें कह कि फॉर फर्दर ऑर्डर्स रुकें तो ये तो हाल है यार अब हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और सारे जो जो इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सब जा रहे हैं चाइनीज से बात बात भी कर रहे हैं कि यार हम करते हैं कुछ हम करते हैं लेकिन वो चाइना ये कह रहा है भाई एक्शन लो इस इनको पकड़ो जो भी इस तंजीम इन्वाल्व है उस पर एक्शन लो अदरवाइज़ हम ब्री करेंगे और मैं एक और न्यूज़ भी देख रहा था इस पर यह स्टेटमेंट आया था कि सी पैक के प्रोजेक्ट से चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ इट मीन देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन क्योंकि अगर आपको सी पैक पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है तो इट मीन कुछ हुआ है तो अभी क्या ही बोलें यार बात तो वही है ना जब तक हम बिला तफरीकट तालिबान और बैड तालिबान इन पे नहीं लेंगे तब तक ऐसे वाकियात होते रहेंगे क्योंकि आज जिनको हम अपनी साइड पर समझते हैं कल वो हमारे अगेंस्ट होंगे तो इट्स बेटर ना कि जो जो जिस, जिस के खिलाफ है और हमारी अगर सोइल पर से हमला कर रहे हैं और हम पे भी करते हैं दूसरों पर भी करते हैं तो हम क्यों ना एक्शन लें बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा सी यू गाइस